situated in the center of Shimla is Suman Rawat's office. Being the sports director of Himachal Pradesh is indeed a big honor. It all began in the South Korean city of Busan in 1986 when she won a bronze medal in the 3000 meters at the Asian Games. Rawat won a bag full of domestic and international medals, but the coveted trophy would always be the Arjuna Award. Today, she takes pride in her work and is busy trying to produce another international athlete from Himachal Pradesh. Sometimes it so happens that you share a room with a big athlete whose presence rubs off on you, and in the process, you are pushed to perform your best. Yes, जिस समय उस समय मेरे ख्याल उषा और मैं दो ही एथलीट थी जिनके आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट रही थी और एक मेल मेंबर था जिसने एथलेटिक्स में मेडल लिया था. बाकी हम दो ही थे जिन्होंने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी थी. उषा का भी था और उषा शी वॉज माई रूममेट दैट टाइम. तो उससे मेरे को भी खैर जोश आया और मेरे भी एक में आई वॉज फोर्थ एंड एक में आई वॉज थर्ड. बट दैट वॉज अ गुड मोमेंट और जिसमें मतलब हम दोनों ने पदक लिए थे और मतलब आज तक लोग याद करते हैं उस इवेंट को, उषा का भी और सुमन का भी. Returning after winning a medal has always been magical. The crowds, fans and the special memory that stays with you. जब मैं शिमला आई, एक छोटा एग्जांपल दूं, शिमला आई तो सारे लोग मतलब ये देखना चाहते थे कि सुमन रावत कैसी दिखती है. तो एक बार मैं रास्ते में भी जा रही थी, तो रास्ते में मैं जब जा रही थी तो मेरी मदर मेरे साथ चल रही थी. तो मेरी मदर जब साथ चल रही थी तो कोई सज्जन उनके पहचान के वो आए, उन्होंने वो मेरे पाँव की तरफ देख रहे थे. तो मेरी मदर ने कहा कि भी नमस्ते जी कर रहे थे. तो मेरी मदर ने कहा आप क्या देख रहे हैं नीचे. बोले मैं देख रहा हूँ कि इतने छोटे छोटे पाँव हैं पर दौड़ती कैसे है. In India, getting a word of encouragement from a senior runner is always a morale booster. It's another way of knowing that you have arrived. मेरे को जो स्कूल कोई पब्लिक स्कूल था पंचकुला में, तो पंचकुला में मेरे को भी एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया और मिल्खा सिंह जी भी वहाँ पे जो ग्रेट मतलब एथलीट थे अपने टाइम के, क्या वो तो हमेशा ही ग्रेट है, तो वो भी वहाँ पे ही वॉज देयर. तो मैंने तो ये सोचा कि मुझे नहीं जानते वो, क्योंकि नेचुरली उनसे कभी डायरेक्ट कोई ऐसी कभी बातचीत नहीं हुई, कभी मिले नहीं. तो जब मैं वहाँ पे हम लोग गए तो सब बच्चे बैठे हुए थे, तो उनको कहा कि भी आप मिल्खा सिंह जी जो है मतलब भाषण देंगे जैसे होता है यूजुअली, बच्चों को एनकरेज करेंगे. तो मैं तो हैरान होगी कि जब मिल्खा सिंह जी ने शुरू किया भाषण तो वो सारा उन्होंने सुमन रावत पे दिया कि सुमन रावत ने ऐसी ट्रेनिंग करी, सुमन रावत ने ऐसा ट्रेनिंग करी. और इसके साथ हालांकि हम उनसे मतलब उनका तो अचीवमेंट के बराबर तो नहीं, लेकिन उन्होंने जब उनकी मुझे तारीफ करी मेरी, तो मैं मुझे लगा कि यार इसके मतलब हमने कुछ किया है. सुमन इज इंडेटेड टू हर फैमिली एंड कोचेस फॉर व्हाट शी अचीव्ड एज एन एथलीट. थैंक यू. मैं बोलना चाहूंगी देखो सबसे पहले पेरेंट्स जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उसके बाद मेरी बहनें, हम पांच सिस्टर्स हैं हम, मैं मतलब मेरे से छोटी चार हैं. तो मतलब वो उस टाइम जिस समय मैं मेहनत कर रही थी तो उस समय उनका इक्वली हाथ रहा कि भी खाना नहीं बनवाना, मतलब इनके साथ जाना, कहीं टूर्नामेंट में जाना है, तो मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है. उसके बाद फिर हस्बैंड आए, फिर साथ में हमारे उस समय जो मतलब सक्सेस था मिस्टर जोगिंदर सिंह सैनी थे, हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स थे मिस्टर टी एल वैद्य, तो मतलब उनका भी मतलब योगदान रहा है. और जो हमारे मिस्टर उस समय हमारे टीम के साथ गए थे जोगिंदर सिंह टाइगर, उनका टाइगर करके उनका नाम कहते हैं, उन्होंने मतलब जो लास्ट के 20 दिन जो हमारे सियोल में लगाए, तो मतलब उससे जो मेरा जो है मतलब कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और जो मेडल आया. Leaving sports has always been a difficult choice for athletes. The faster you understood the change, the smoother the transition became.
जी नहीं, जब मैंने 1993 में 93 में मैंने स्पोर्ट्स को मतलब छोड़ा, उसमें एक वजह ये थी मेरी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे मैंने जब 1983 में एज डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ज्वाइन किया था, तो आई वाज द यंगेस्ट ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट. तो जैसे ही मुझे उसको छोड़ना था तो इस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में आना ही था. और मुझे लग रहा है कि जब मैंने उसको छोड़ा तो फील्ड को छोड़ते हुए तो तकलीफ हुई, क्योंकि मन नहीं कर रहा था स्पोर्ट्स छोड़ने को. लेकिन पर यह कि भी जैसा हमने मेरा ये मानना था कि जैसे मैंने स्पोर्ट्स में अपने आप को टॉप पे रखा है, वैसे मैं चाहती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में भी मैं टॉप पे रहूँ. तो इसलिए मैंने उस चीज़ को छोड़ के इसको अपना लिया, ताकि मैं मैक्सिमम बच्चों की जो है इस सीट में बैठ के मदद कर सकूँ. तो मुझे मतलब अगर आज भी बोले मुझे दौड़ने को तो आई एम रेडी टू रन. Choosing administration over coaching didn't require too much thinking on Suman's part. जब मैं यहाँ पे आ गई तो मैंने एज अ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ज्वाइन किया, तो आई प्रेफर्ड टू बी अ एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे जैसे कोचिंग कैंप लगते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, टूर्नामेंट्स के लिए बच्चे जाते हैं. कई बार पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि भी आपने कहाँ जाना है, कैसे करना है, उसके लिए क्या कोचिंग करनी चाहिए. तो उसके लिए हम अपने कोचेज के, जो हमारे पास अंडर कोचेज है, तो उनकी स्पेशलाइजेशन उनको हम दे सकते हैं. Suman is honest that not many athletes are coming out of Himachal as coping with the challenges is tough. स्पोर्ट्स को या इस फील्ड में आने के लिए आपको एक स्ट्रांग विल चाहिए. आपके पास अगर स्ट्रांग विल होगी आप तभी आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं. इट्स नॉट ईजी. अगर हम ये कहें कि 10 बच्चे हैं तो 10 में से भी एक ज़रूरी नहीं है कि निकलेगा, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए. और मेरे पास बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट चाहते थे कि मेरी तरह बने या मैं उनको बनाऊँ, लेकिन अब वो दौड़ा ही नहीं जाता था उनसे. मतलब वो थक जाते थे, रेगुलर नहीं उठ पाते थे. सुबह 4-5 बजे उठाते थे, 5 बजे आते थे हम लोग ना फील्ड में, 5 बजे आना, 5 से 6, फिर क्योंकि स्कूल होते थे 8:30 बजे, उन्होंने स्कूल भी जाना होता था बच्चों ने. तो नेचुरली फिर वो एक रेगुलरिटी कईयों में तो बनी, लेकिन पर कईयों में होता ना फिजिकली दे आर नॉट वेरी कि भी वो कोप अप कर पाए. With sports slowly becoming a priority for many states, even Himachal Pradesh doesn't want to be left behind in the race for recognition and medals. अभी हमारे पास समझ लो आपकी भी 69 coaches हैं total. तो मतलब पूरी state, लेकिन वो पूरे जिलों में फैले हुए हैं. As a particular, उनके अपने center बने हुए हैं. अपने center में फिर साय center के through भी वो coaching दे रहे हैं. Means वो मिक्स ट्रेनिंग देते हैं जूनियर को भी और सीनियर को भी. सिंथेटिक ट्रैक 2 हमारे हिमाचल में आ रहे हैं, एक एस्ट्रो ट्रफ भी आ रहा है. फिर हमने टेराफ्लेक्स वॉलीबॉल का भी जो इम्पोर्टेंट जो सिंथेटिक सरफेस है वो हिमाचल में अब खिलाड़ियों को 3 जिलों में मुहैया कराया. बैडमिंटन के हमने टेराफ्लेक्स जो जिसमें अभी आपने रांची में भी हमारे जो सिंथेटिक सरफेस पे जो वॉलीबॉल का नेशनल गेम्स में जो सरफेस यूज़ हुआ उसको हमने भी हिमाचल में खिलाड़ियों को दिया है. तो विभाग की ओर से भी काफ़ी प्रयास किया जा रहा है कि मॉडर्न फैसिलिटी खिलाड़ियों को मिले, ताकि जो हमारे खिलाड़ी भी ऊंचाइयां छुएं. Suman's belief is to keep kids in the sports zone so that their minds are focused on whichever sports they play. The former athlete believes football can give cricket a run for its money. आज का जो सिनेरियो है उसमें तो ये है कि स्पोर्ट्स में रखो, चाहे वो क्रिकेट ही खेले. तो हमें मतलब एक इस वजह से नहीं, इस वजह से कि ताकि एटलीस्ट वो बैड हैबिट्स ना हो. तो ये नशा क्रिकेट का ही रहे तो नॉट बैड. लेकिन अब ये पब्लिसिटी जब चल रही है, अगर आप हॉकी की पब्लिसिटी स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हॉकी, अब जैसे हॉकी का नाम था तो हॉकी अब ख़त्म है, अदरवाइज नहीं तो. और आज अगर आप फुटबॉल को हाईलाइट करेंगे तो क्रिकेट को फुटबॉल कंपटीशन दे सकता. चंद्र प्रकाश मेहता मेट सुमन रावत ऑन द हॉकी फील्ड व्हेन शी यूज्ड टू प्ले द गेम. शी वेंट ऑन टू बिकम एन एथलीट बट दे रिमेन टुगेदर एंड लेटर मैरिड. बहुत फर्क है, क्योंकि ये जब हॉकी खेलते थे एक्चुअली ये सेंटर फॉरवर्ड खेलते थे और ये बहुत टफ थे. लड़की आर के एम बी कॉलेज में और जब इम्पोर्ट मोड हॉकी खेलते थे ये
और आर्मी कॉलेज में हॉकी खेलते थे, तो हम इनको देखते थे खेलते हुए। अब ये नहीं था पता कि ये सुमन है कौन है, कैसे खेलेगी और कहाँ कल जाएगी, लेकिन ये बहुत टफ थी। और 8-9 लड़कियों को बीच में गेंद लेकर के गोल करके वापस आती थी। तो सिर्फ एक हमारे एक जज्बा था कि ये लड़की इतनी फास्ट है, यहाँ की लड़की है, तो फिर हो सकता है हम भी हॉकी खेलते थे, शायद थोड़ा जोश आया होगा और हमने अपने कॉलेज हॉकी खेलना शुरू कर दिया होगा। लेकिन अब ये लम्हा तो हमें चीज़ याद नहीं कर पाता। Sometimes you're required to be stubborn to be able to achieve. Chandar says Suman had the dedication and the willpower to achieve. Nature-wise, ये बहुत ही बड़ी different है। और actually जब इन्होंने ये award जीते हैं और जब ये जो medal जीते हैं ना, इसके लिए ना एक आदमी का जेल होना चाहिए, आदमी जिद्दी किस्म का आदमी होना चाहिए। कोई शादी हो घर में, कोई किसका birthday हो, कोई guest आ रहा हो, इनको कुछ नहीं उस चीज़ से लेना देना जब जब ट्रेनिंग करती थी। तो इससे भी ऐसा समझता हूँ कि नेचर वाइज ये बहुत ठीक है अपने गोल के प्रति। ये बहुत अभी भी जब ऑफिस से आते, कई शाम को 9-9 बजे ऑफिस से आती हैं, लेकिन वो सिर्फ एक जेल है काम करने की। तो किसी ने आगे अगर बढ़ना हो तो ऐसा नेचर बहुत अच्छा लगता है। Not many know of Suman's versatility as a runner. She has run almost everything from 400 meters to the marathon and won medals all along. मुझे एक लम्हा याद है 1992 का। 1992 में इन्होंने हमारी बेबी 1991 हुई थी, उसके बाद इन्होंने दौड़ना शुरू किया और एक हमने इन्होंने रेस जीती थी 42 किलोमीटर की। उसके बाद 1992 में और 1992 नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मतलब इसी के आसपास मुझे एग्जैक्ट डेट याद है, 24 दिन में इन्होंने 3 रेस जीती थी इंटरनेशनल, और एक रेस की दूरी होती 42 किलोमीटर। दो रेस के जो बीच में गैप होना चाहिए वो कम से कम 90 दिन का गैप होना चाहिए उसको बॉडी को दोबारा दौड़ने लायक बनाने के लिए। तो इसमें इनका नाम है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पेज नंबर 484 में इनका नाम दर्ज है, एग्जैक्ट नंबर आपको बता रहा हूँ। और 24 दिनों में 3 रेस जीती थी आफ्टर बेबी, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और किसी को स्पोर्ट्समैन को ये आज तक ये पता नहीं है, स्पोर्ट्समैन को किसी को पता नहीं है, किसी कोच को पता नहीं कि इन्होंने ये जो इनका अचीवमेंट है ये वर्ल्ड अचीवमेंट है, आज तक टूटी नहीं है। दूसरी बात, या तो आदमी शॉर्ट डिस्टेंस दौड़ता है, या आदमी मिडिल डिस्टेंस दौड़ता है, या आदमी लॉन्ग डिस्टेंस दौड़ता है, ये एक ऐसी शख्सियत रही है जिन्होंने 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, 10000 मीटर, 21 किलोमीटर और 42 किलोमीटर की रेस नेशनल लेवल पर दौड़ी और जीती है। Suman credits the state government for helping her during her running career. जिस समय मैं दौड़ती थी ना, उस समय एक्चुअल में ये था कि जो मतलब ऐसे लोगों में कुछ पता ही नहीं लगता था उनको कि भी हमने कुछ अचीव करा है। मींस वो थोड़ा दुखदाई था क्योंकि प्रेस को मतलब जब कभी मैं आ जाती थी तो कई बार फिर प्रेस वाले जब बाद में उनको लगा कि सुमन की बहुत सारी अचीवमेंट है, फिर वो बोलते थे कि सुमन जब आप आओगे तो हमें जरूर कॉल कर देना ताकि हम फोटो लेने के लिए आपका आए। और उस समय एक बात और, मेरे विभाग ने जैसे मैं डिपार्टमेंट यू सर्विसेज में काम करती, तो मैंने 83 में मैंने ज्वाइन करा, लेकिन जब तक मैं ट्रेनिंग कर रही थी मेरे को ऑफिस का कोई काम। Suman doesn't expect her kids to follow in her footsteps, even though her children do play sport. But she understands the value of education in today's times. जब मेरी बिटिया हुई थी तो हमने उस समय कहा था कि अपना सब्स्टिट्यूट दे दिया, क्योंकि यूजुअली उस समय हमारा जब एज थी तो बच्ची बेटी हुई तो ऑब्वियसली मेरी बेटी हुई, मैं भी मतलब बेटी हूँ तो मेरी भी बेटी हुई, तो हमने कहा हमने अपना सब्स्टिट्यूट दे दिया। क्योंकि हर जब भी हम लोगों ने जो किया तो हर एक को एक्सपेक्टेशन होती है कि हम अपने बच्चों को भी ट्रेन करें, और हमारा भी प्रयास ये रहेगा अगर उनकी मतलब फिजिकल फिटनेस उनकी सही रहे। ऐसे कोशिश जैसे मेरी बिटिया बैठ करते थे अपने स्कूल में भी थी, बट उसका रुझान और किसी गेम की तरफ है, और कोई मतलब क्योंकि एथलेटिक्स में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। बेटा मेरा वो फुटबॉल खेलता है, एथलेटिक्स में भी अभी नेशनल क्रॉस कंट्री के लिए मैंने भेजा था, बट मैं कोशिश करूंगी कि पढ़ाई का उनका जो है, क्योंकि हमारे टाइम में पढ़ाई के बिना चल गया, लेकिन इनके टाइम में पढ़ाई और स्पोर्ट्स जो है साथ चलना पड़ेगा। तो शायद हो सकता है देखे मतलब तो अभी तो समय है, बट आई विल ट्राई कि वो मेरी मतलब हमारे स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं एक्सेल करके हिमाचल का नाम ऊंचा करें। बचपन से ही स्टार्टिंग से मम्मा स्पोर्ट्स में रहे हैं, जब मैं बॉर्न हुई थी तब से लेकर जब मेरा भाई बॉर्न हुआ था तब मम्मा ने बंद की, तो तब से लेकर बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं मम्मा। तो इट्स लाइक
बहुत अचीवमेंट्स मम्मा ने लिए हैं, तो हमें बड़ा खुशी होती है कि हम ऐसी बड़ी हस्ती की बेटी, मैं इतनी बड़ी हस्ती की बेटी हूँ। साथ में मेरे फ्रेंड्स इतने दोस्त बोलते हैं कि अच्छा तू उसकी बेटी है, तो हम बड़े खुश होते हैं कि हाँ हम बड़े सेलिब्रिटी टाइप महसूस करते हैं अपने आप को। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हर दैट आई एम हर डॉटर एंड इट रियली फील्स ग्रेट टू बी हर डॉटर। जब भी सुनते हैं इनके बारे में, टीचर से बोलते कि आपके मम्मा बहुत बड़े, तो अपने को अच्छा लगता है। एक बार मम्मा मेरे स्कूल में चीफ गेस्ट आए थे हमारे स्पोर्ट्स डे पे, तब एवरीवन वाज लाइक इट्स शी योर मदर, तो मैं बोला या शी इज़ माय मदर एंड आई वाज वेरी प्राउड ऑफ हर। और बहुत अच्छा लगता है कि जब सारे बोलते हैं कि वो सुमन रावत का बेटा है। येस आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ अ काइंड एंड लोग इन्हें बोले कि ये राहुल मेहता के मदर है, ये सुमन रावत का बेटा नहीं है। Even though she quit athletics a long time ago, Suman still remembers the days when there were no facilities for runners. जी हाँ, जैसे हॉकी से मैंने एथलेटिक्स को शिफ्ट करा, तो मैं जब NIS पटियाला में मैं वहाँ पे थी, मैंने NIS किया, उसके बाद मैं शिमला आई, तो ये जो शिमला की सड़कें हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रैक की फैसिलिटी तो यहाँ नहीं है और ना ही कोई ग्राउंड है, तो हमें मतलब यहाँ पे हमने इस रोड पे ही मार्किंग करके रखी हुई थी। और वैसे मैंने ये सुना था क्योंकि उस समय मतलब क्योंकि हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से कि मेरे पास मतलब स्टैमिना ज़्यादा था और मेरा शौक भी था, तो जब हम कॉलेज में गए तो कॉलेज में क्या हो गया कि हम रात को जैसे सोए ना, तो मीन 10 बजे सो गए, और जैसे सोए तो मतलब मेरे को जाग खुल गई, अचानक जाग खुली। जब जाग खुली तो मैंने, मेरी फ्रेंड थी साथ में, उसको मैंने उठाया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा वही, मैंने कहा टाइम बता टाइम क्या हुआ, तो उसने कहा 5:05। तो एक्चुअल में मेरे ये रहता था जहन में कि 5 से पहले मैं मतलब रोड पे होनी चाहिए, 5 से बाद, क्योंकि कई बार जल्दी रोशनी हो जाती है तो टाइम नहीं मिलता, फिर रिकवरी नहीं होती। तो वो जब मैंने उसको उठाया, उसने बोला 5:05, मैंने कहा मैं लेट होगी, तो मेरी एक और फ्रेंड आई, मैंने उसको फटाफट बोला, मैंने कहा चल 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 लेट हो गए, और उसने मेरा ब्लेजर था एक वो पहना और हम आगे रोड पे आए, तो हमने देखा कि भी वहाँ पे पोस्टर लगा रहे, यूनिवर्सिटी के कोई इलेक्शन होगी वो पोस्टर लगा रहे, मतलब पोस्टर लगा रहे इनको क्या चक्कर, मैंने कहा 5 बजे तक अभी उठते ही नहीं है, तो मैंने कहा इनको ये भी जल्दी उठ गए, मैंने कहा कमाल हो गया। फिर आगे देखे, आगे एम्बुलेंस देखी ना, वो आदमी मेरे सो रहा था, उठ रहा था, क्या कर रहा था एम्बुलेंस से, पहले तो मैं डर गई, फिर मैंने अपनी फ्रेंड को नहीं बताया। फिर हम ना एक हमारे उससे और आगे रिच की तरफ गए, तो वहाँ एक उससे पहले सिनेमा हॉल आता है, तो जब वो सिनेमा हॉल आया तो मैंने बोला अपनी फ्रेंड को, मिला रे, वो कहती है सुबह ने पिक्चर चल रही है, मैंने कहा छोड़ना 3 से 6 का शो चल रहा है, बोले 3 से 6 हो गए शो, मैंने बोला छोड़ना 3 से 6 ही, फिर मैंने बोले वो कैसे, मैंने कहा तो लाइट चली गई होगी, फिर मैं सोचूँ मिला रहा 12 से 3, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6 लोग कैसे बैठे रहे होंगे, मैं कह रहा कोई गड़बड़ है, तो सामने से पुलिस वाले आ रहे थे 2, तो हमने कहा अंकल जरा रुकिए, तो उन्होंने, और ठंड